नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रेकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बिल्कुल न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। आज हम इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2019, तो जो भी फिलहाल इसके लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि एज लिमिट क्या होने वाली है। इसके लिए एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर 40 साल तक के सभी अभ्यर्थी जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो इसमें 10,066 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन सिर्फ यहां पर 10th मांगा जा रहा है। और अभी लास्ट डेट के लिए टाइम है, यानी कि 4 सितंबर 2019 तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल दोस्तों इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर आज की वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो आप लोग इसको सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इस लेटेस्ट अपडेट को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्ट बता दें, जैसे कि ग्राम डाक सेवक की पोस्ट है और ये आप लोग का बिहार, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब पोस्ट सर्किल्स है। तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, फीस सबमिट करने की लास्ट डेट भी आप लोग की 4 सितंबर है। और फीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए कैटेगरी जो है, जनरल OBC के लिए इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ है, बाकी सबके लिए यहाँ पर डिस्काउंट है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको बता दें फिलहाल ये जो है आप लोग के जो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। और एज लिमिट जैसे मैंने बताया 18 साल से 40 साल तक है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी है, OBC के लिए 43, SC और ST के लिए 45 और SC और ST के लिए 45 ईयर्स तक का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं आप लोग की 10,000 पोस्ट हैं यहाँ पर। और अब बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी डिटेल की। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर बिहार, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब पोस्टल सर्किल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर असम पोस्ट सर्किल की, ठीक है। तो असम पोस्टल सर्किल के दोस्तों टोटल 919 पद हैं इसमें। इधर बिहार राज्य में बात करें दोस्तों आप लोग के 1,063 पद हैं। गुजरात पोस्टल सर्किल में यहाँ पर 2,510 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की जो है 1,167 हैं। बाकी आप लोग दोस्तों डिटेल जानने के लिए इसी वीडियो के नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है, जहाँ से आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। और एक बार इसके लिए आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। केरल की बात करेंगे दोस्तों, केरला पोस्टल सर्किल की बात करें तो यहाँ पर टोटल 2,086 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के टोटल 1,235 पद हैं, वहीं SC के 37 पद हैं, SC के 143 पद हैं और फिजिकल हैंडीकैप्टेड के 58 हैं, OBC के लिए 416 पद हैं और EWS के लिए भी अलग से यहाँ पर सीटें निर्धारित की गई हैं 197। और अगर आप लोग पंजाब जोन से अप्लाई करना चाहते हैं तो पंजाब पोस्टल सर्किल के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर जनरल के 416 पद हैं, SC के 210 हैं, ठीक है, OBC के 153 और EWS के 51 पद हैं। पे स्केल दोस्तों यहाँ पर है, एक तो आप लोग का है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM के लिए यहाँ पर 12,000 पर मंथ है और फिलहाल असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 10,000 पर मंथ है। क्वालिफिकेशन सिर्फ यहाँ पर 10th यानी कि हाई स्कूल मांगा जा रहा है। और लैंग्वेज की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ देयर पोस्टल सर्किल इन स्पीकिंग एंड राइटिंग विल बी प्रीफर्ड फॉर दिस रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों इसमें आप लोग को जो है लिखना और आपको स्पीकिंग भी आनी चाहिए और लिखना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। लोकल लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है और कैसे इसके लिए आवेदन करना है तो इसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आप लोग को चाहिए इसके लिए, जैसे कि आपको प्रोवाइड कराया गया यहाँ पर 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए और यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर है तो आप लोग उसके लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फ़ोटो सिग्नेचर और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये आप लोग के PH कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और जो सिलेक्शन होगा फिलहाल ये मेरिट बेस पर होगा। और अगर आप लोग इसके लिए जो है अभी आवेदन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, जहाँ से क्लिक करके आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले आप लोग जो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आप लोग के सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप लोग इसके बारे में अधिक से अधिक जान सकते हैं। तो फिलहाल आज की अपडेट में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी क्यूरी हो या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।